ओके तो हमने पिछली यूनिट के अंदर 1.2 के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस किया। इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस को कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? सो वो स्टार्टिंग के बैकग्राउंड क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट वेरी टू ओल्ड, 70-80 ईयर ओल्ड है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम जब स्टार्ट हुआ, जो कि इटालियन मर्चेंट लुकास पैकोली ने 1494 में स्टार्ट किया था, तब से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे हैं डेबिट और क्रेडिट वाली हिस्ट्री बेसिस पे। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग पर्पज के लिहाज से रिसेंटली है। अबाउट यूजर ग्रुप, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हेन इट कम्स टू यूजर ग्रुप? तो कौन यूज करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ज़्यादातर इंटरनल मैनेजर, डिसीजन मेकर्स, शेयर होल्डर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, तो शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स के अलावा गवर्नमेंट एजेंसी, फॉर एग्जांपल FDI, टैक्स कलेक्टिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन देने से पहले वो चेक कर रहा होगा, इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर बाय करने से पहले, इस तरीके। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पॉइंटों से बात करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन किस तरह गैदर की जाती है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। डिफरेंट स्टेटमेंट्स लाइक बजटिंग रिपोर्ट्स, वेरियंस रिपोर्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, और वो सब के सब फ्यूचर ओरिएंटेड है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड के बजाय हिस्टोरिकल पर्पज पे की जा रही होती है, कि पास्ट में आपको इस स्पेसिफिक प्रॉफिट पीरियड के अंदर प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। रिपोर्ट फॉर्मेट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई प्रॉपर फॉर्मेट मौजूद नहीं है, टेलर मेड फॉर्मेट है, इस पर रिक्वायरमेंट वी हैव टू डेवलप। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें रेडीमेड फॉर्मेट यूज़ करने होते हैं। रेडीमेड फॉर्मेट का मतलब बैलेंस शीट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जनरल जनरल का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। पर्पज़ या स्कोप की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें अब वेदर इट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग और इट इज़ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेशन के जितने भी डिफरेंट मीन्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना सिर्फ टोटल कॉस्ट पर्सपेक्टिव कवर किया जा रहा होता है, बल्कि एक्सपेंसेस को भी चेक किया जा रहा होता है कि एक्सपेंसेस अपने रेवेन्यू के साथ मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर पर्पस कंट्रोल ऑफ कॉस्ट नहीं होता, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पर्पस रिड्यूस कॉस्ट या कंट्रोलिंग कॉस्ट होता है। एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ डिफरेंस विच इज़ क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी दोनों इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर बनाई जा रही होती है, यानी कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए क्वांटिटी में, कितनी कॉस्ट इनकर्ड भी अमाउंट में, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी कवर कर रहा होता है, क्वांटिटी एस्पेक्ट भी कवर कर रहा होता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट कवर कर रहा होता है, यानी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन टर्म ऑफ मनी वो कैप्चर करके कर रहे होते हैं। सो अगली वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्लासिफिकेशन। सो डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।